नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज मैं बनाऊंगी निरामिस आलू दम और कढ़ाई सूटी कचौड़ी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही मस्त है। ये बंगाल की एक फेमस डिश है जो सर्दियों में खासकर बनती है शादी विवाह वगैरह सबके घरों में, तो जिसे बनाना बहुत आसान है, मेरे घर में हर किसी को पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 500 ग्राम आलू लेंगे, जिसे अच्छे से पहले से ही धोकर और प्रेशर कुकर में हम डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे और उसके बाद इसमें नमक डाल देंगे 2 चम्मच, और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर 3 सीटी आने का वेट करेंगे। तक हमारी कुकर सीटी देगी, इधर हम कढ़ाई सीटी कचौड़ी के मसाला तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 1 कटोरी मटर लेंगे और एक सब मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल देंगे। आप मेजरमेंट कप से भी ले सकते हैं। और 1 हरी मिर्च इसमें हम डाल देंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं पेस्ट इस तरीके से हो, एकदम फाइन हो, ताकि पूरी हमारा फटे नहीं। इधर कुकर 3 सीटी दे दी, उसे ठंडा होने देंगे। तब तक गैस पर हम कढ़ाई बैठा देंगे और उसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल जब गर्म हो जाए फिर हम क्या करेंगे, इसमें मटर का जो पिसा हुआ पेस्ट है हम उसे गर्म तेल में डाल देंगे और इसे 2 मिनट तक हम चलाते हुए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। इधर दूसरी तरफ एक पैन बैठा दिए, लोहे के कढ़ाई हो जाए, जो 5-6 काली मिर्च, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 इलायची, 4 लौंग और 1 सूखी मिर्च और 1 चम्मच जीरा डालकर इसे अच्छे से भून लें। हल्का 2 मिनट तक इसे रोस्ट कर लें, खुशबू ताकि आए इसमें से। और उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। उसके बाद इसे एक बर्तन में हम निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। और इधर मटर का पेस्ट देख लेंगे, देखिए तब तक हम इधर इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे सिलबट्टे पर या मिक्सर ग्राइंडर जार में, देखिए इस तरीके से। और तब तक देखिए इधर हमारा ये जो मटर का पेस्ट है ये पूरा अच्छे से सूख चुका है। तो अब हम इस स्टेज में क्या करेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच इसमें हम चीनी डालेंगे। तो नमक और चीनी दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है ना। तो आप दोनों डालें और इसे अच्छे से मिला लें, पक जाए फिर सूख जाए, इसे अच्छे से 2 मिनट तक भून लें। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ये भुना हुआ जो मसाला है, हमने जो मसाला रेडी किया है उस मसाले को हम इसमें 2 चम्मच डाल देंगे और डालकर इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। तो ये हमारे मटर की पूरी के लिए मसाला यानी कढ़ाई सूटी कचौड़ी के लिए मसाला ये तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, एक बर्तन में हम निकाल लेंगे इस पेस्ट को और कुछ नहीं करना है इसे हम। इधर देखिए तब तक हमारा आलू भी ठंडा हो चुका है, तो हम इस आलू को छील लेंगे अच्छे से और उसके बाद आलू को 2-2 टुकड़ों में हम कट कर लेंगे। आलू मीडियम साइज का ही लें तो बहुत ही बढ़िया आलू दम बनता है। और आलू को पूरा पकाए नहीं, यानी पूरा गलना नहीं चाहिए, यानी मीडियम रहे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 1 चम्मच हल्दी डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच नमक डालकर और अच्छे से हल्दी और नमक को हाथों से मिला लेंगे, ताकि इसके ऊपर हल्दी और नमक अच्छे से कोट हो जाए। और इसको थोड़ी देर के लिए हम साइड में रख देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे, उसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर हम इसमें क्या करेंगे कि पानी डाल देंगे थोड़ा सा, और पानी डालकर इसे हम मिला लेंगे, इसका घोल बनाकर हम रख देंगे। ये हमारा मसाला है। यहाँ वापस से हम मिक्सर ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 हरी मिर्च डाल देंगे और उसके बाद में हम 4 पका हुआ टमाटर लेंगे। टमाटर खट्टी न हो, एकदम पक्की टमाटर हो, और इसका हम रफली कट कर लेंगे और इसे भी हम मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल देंगे। टमाटर ज़्यादा लें क्योंकि टमाटर से ही ग्रेवी बनेगी। तो अब हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो ये हमारा फाइन पेस्ट बनकर तैयार है। वापस से हम गैस पर कढ़ाई बैठा दिए हैं, कढ़ाई गर्म हो जाए फिर इसमें 4 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाए यानी धुआं देने लगे, तब हम इसमें नमक हल्दी मिलाया हुआ उबला हुआ आलू इसमें डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तो इसको अच्छे से अभी एक साइड से होने दें, एक तरफ से जब पूरा अच्छे से लाल हो जाए फिर हम इसे उलट देंगे।
हाई फ्लेम पर आप इसे लाल फ्राई कर सकते हैं। तो मेरा एक तरफ से हो चुका है, तो अब हम इसे पलट दिए हैं। तो इस तरीके से उलट पलट कर आप इसे लाल करके फ्राई कर लें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा आलू क्रिस्पी लाल फ्राई हो चुका है। तो इसी तरीके से आप आलू को लाल फ्राई कर लें और उसके बाद एक बर्तन में निकाल लें, बचा हुआ आलू उसी तेल में डाल दें। तो बहुत ही लाजवाब सब्जी बनती है इसकी। तो आप इसे आपस से फ्राई हो रहा है, तब तक हम क्या करेंगे कि इधर डो तैयार कर लेंगे। तो दो कटोरी मैदा और दो कटोरी आटा, आप चाहें तो केवल आटा में भी बना सकते हैं, पर कचौड़ी जो मैदा में ज़्यादा अच्छी होती है, पर हमने दोनों लिया है। और इसमें थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डाल दें और थोड़ी सी नमक डाल दें। इन चीज़ों का अच्छे से मिला लें और मिलाकर उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका ये डो तैयार कर। ध्यान रखिए कि डो न ज़्यादा टाइट हो न ही नरम, मीडियम रखिए। और इसमें रिफाइन ऑयल डालकर थोड़ा सा इसे मिलाकर इसे ढककर रख दें। जब हम डो तैयार कर रहे थे तब तक हमारा बाकी का आलू भी फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और उसी तेल में दो तेज़पत्ता, एक टीस्पून जीरा, दो इलायची, तीन लौंग और डेढ़ इंच दालचीनी का टुकड़ा, आप बड़ी इलायची भी इसमें एक डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से चला लें, चटक जाए, खुशबू आने लगे, फिर हम घोल कर रखा हुआ मसाला इसमें डाल देंगे। और उसके बाद जो कटोरी में लगा उसे भी खंगाल कर डाल देंगे और इसे 2-3 मिनट तक लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे, जब तक कि तेल दिखाई दे। उसके बाद हम इसमें 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और इसे मिला लें। उसके बाद टमाटर का पेस्ट डालकर लगातार चलाते हुए 5-7 मिनट तक पकाएं, जब तक कि तेल दिखाई ना दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तेल अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो इस स्टेज में हम 1 चम्मच चीनी डालेंगे और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक और इसे अच्छे से मिला लें। तो दोस्तों चीनी इसमें 1 चम्मच जरूर डालें स्वाद को मेंटेन करने के लिए, और नमक अपने अनुसार इसमें कम डालें ग्रेवी के अनुसार, क्योंकि आलू में हमने नमक डाला है पहले से। तो अब हम आलू डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे, कोट कर लेंगे सारे मसाले को और इसे 2-3 मिनट तक इसे अच्छे से भून लेंगे आलू डालकर। दोस्तों यहाँ पर आलू और मसाले को 2-3 मिनट से भूनते हुए हो चुका। तो अब हम इस स्टेज में क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 2 कटोरी पानी डालेंगे इस छोटी कटोरी से डालकर और इसे अच्छे से चला देंगे और चलाकर इसे हम ढक देंगे। ढक कर इसे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक इसे पकाएंगे। 5 मिनट हो चुका तो ढक्कन हटाकर हम सब्जी को चेक कर लेते हैं और इसे अच्छे से चला लेते हैं। तो वाह कितना सुंदर कलर आया है ना, देख के मुंह में एकदम पानी आ रहा है। तो अब हम इस स्टेज में क्या करेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और ढेर सारा धनिया पत्ता कट किया हुआ डाल देंगे और 2 हरी मिर्च को हम लंबा लंबा काट कर इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से फिर चला लेंगे। तो आप ग्रेवी देख सकते हैं किस तरीके से ग्रेवी है, आलू में एक दूसरे से चिपक जाना चाहिए और ठंडा होगा तो और अच्छे से आलू में चिपक जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये सब्जी बनकर तैयार है। चलिए इधर हम मटर की पूरी यानी कड़ाई सूटी कचौड़ी तैयार कर लेते हैं। तो इसे हम अच्छे से हाथों से मिला लें और मिलाकर हम इसका लोई कर लेंगे। तो दोस्तों लोई ना ज़्यादा बड़ा हो और न ही ज़्यादा छोटा, मीडियम साइज का लोई बनाएं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, उसके बाद इस लोई को गोल गोल बाटी जैसा शेप दे देना है और इसके अंदर ही जो मसाला है हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं आप किस तरीके से इसमें डालकर दबा दबा कर भरकर देंगे। इस तरह से चिकना चिकना होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप कितना थोड़ा थोड़ा इसमें लेके पूरी हमें बनाना है। तो बहुत ही टेस्टी और यम्मी पूरी बनती है ये, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। तो इस तरीके से सारे स्टफिंग को हम भर लेंगे इसमें। यहाँ पर 1 कटोरी में हम तेल ले लेंगे, तेल या घी जो हो आपके पास, और इसमें तेल लगाकर अच्छे से हाथों से इसे दबा देंगे और हल्के हाथों से हम इसे इस तरीके से बेलेंगे ताकि फटे नहीं। तो इस तरीके से हम सारे पूरी को बेल लेंगे। यहाँ पर हम सारे पूरी को बेल लिए, अब फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में हम तेल डाल देंगे, तेल जब गर्म हो जाए पूरे अच्छे से फिर हम इसमें पूरी डालकर इसे तल लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी कचौड़ी कितनी सुंदर तलकर तैयार है। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम सारे कचौड़ी को डाल डाल कर तल लेंगे।
हमारे यहाँ इसे मटर की पूरी बोलेंगे, पर वेस्ट बंगाल में कड़ाई सूटी कचौड़ी जो बिल्कुल निरामिष है, बिना लहसुन प्याज की बनती है। शादी पार्टियों में अक्सर यहाँ ये डिश बनती है, बहुत ही फेमस डिश है और बहुत ही यम्मी और टेस्टी दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें। चलिए अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल दिए। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? आप ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई करें। व्रत त्यौहार में भी इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। तो यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूर करें। थैंक यू।